हेलो एवरीवन सो गाइस कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स नहीं पता होते हैं जैसे कि लुक सी वॉच स्टेयर ये काफी लोग यूज करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कुछ इससे रिलेटेड एडियम्स फ्रेजेस भी होते हैं दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ देखने से संबंधित कुछ वर्ड्स देखिए देखिएगा जो सबसे पहला वर्ड है इसे हम कहते हैं ग्लैंस अब ग्लैंस का मतलब क्या होता है ग्लैंस का मतलब है टू लुक क्विकली एट समबी समथिंग किसी चीज पर या किसी व्यक्ति को किसी को भी आप बस एक अचानक से आप देख लेते हैं यानी कि इफ यू यू एट एट समथिंग और समवन लुक लुक देम वेरी क्विकली एंड देन अवे अगेन इमीडिएटली मतलब कि आपने ऐसे देखा और फटाक से नजरे फेर ली तो ये अगर कोई ऐसा करता है तो यानी कि ग्लैंस कर रहा है किसी भी चीज को आप ऐसे एक झटके से देख सकते हैं जैसे यहां लिखा है कि ग्लैंस एट इज वॉच फटाक से उसने घड़ी को देखा देखा फिर हट गया शी ओनली ग्लैंस्ड एट हर एट देपर उसने बस पेपर को ऐसे एक देखा तो बस एक क्विकली आपको देखना है और फिर अटेंशन हटा लेना है वहां पर हम ग्लैंस का इस्तेमाल करेंगे तो ग्लैंस ग्लैंसिंग ग्लैंसड आप ऐसे कर सकते हैं गोरेट गाइस चलिए तो ये तो ग्लैंस हो गया दूसरा जो वर्ड है इसे हम कहते हैं ग्लेयर ग्लेयर भी वर्ब है ग्लेयर का मतलब क्या है टू लुक एट समी इन वेरी एंग्री वे अगर आप किसी को देखते हो और बहुत ही एंग्री वे में देखते हो एकदम अपना मुंह बना करके एकदम स्काउलिंग पोजिशन में आप देखते हो ऐसे करके देखते हो इट मीनस यूर ग्लेयरिंग एट दैट पर्सन तो ग्लेयर का मतलब है कि गुस्से भरी नजर से देखना किसी को क्रोध से देखना आंखें इस तरीके से देखना इट मीन्स योर ग्लेयरिंग इफ यू ग्लेयर एट समू लुक एट दैम विद एन एंग्री एक्सप्रेशन ऑन योर फेस आपके फेस पे वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए और उस गुस्से वाले एक्सप्रेशन से अगर आप किसी को ऐसे देखते हो उस देखने को आप सी या लुक नहीं बोल सकते उसके लिए वर्ड आता है वर्ड है ग्लेयर ग्लेयर आप ग्लेर का इस्तेमाल करो जैसे कि द ओल्ड कितने ग्लेयर किया ने कि गुस्से भरी नजर से उसको देखा आर यू ग्लेयरिंग एट मी मुझे उस गुस्से भरी नजरों से क्यों देख रहे हो यानी कि इस तरीके से क्यों देख रहे हो इसके लिए स्काउल भी एक अच्छा वर्ड आता है स्काउलिंग तो ग्लेयर हो गया चलिए अगला जो है इसको कहते हैं गेज अब गेज क्या होता है गेज भी एक वर्ब है गेज का मतलब है कि इफ यू गेज एट समवन और समथिंग यू लुक स्टेडली एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड देम अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स गेज का मतलब यूं समझ लीजिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये आप हैं अगर यहां पर आप हैं और आप कई बार होता है ना कि आपकी नजर कहीं पर है लेकिन आप खोए हुए आपको पता है नहीं कि क्या हो रहा है किसी चीज पर आपकी नजर एकदम टकटकी बाधे है लेकिन हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो आपका दिमाग कहीं और हो, हो नजरें कहीं और हो वहां भी हम गेज का कर इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो वाकई आप किसी को देख रहे हैं तो वो गेज है मतलब स्टेयर से मिलता जुलता है बट इसके अंदर आप अपने थॉट में भी घुस सकते हैं आप निहार रहे हैं किसी और को बट दिमाग है कहीं और पर अगर ये सिचुएशन है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं गेज का यानी कि देर तक स्थिर दृष्टि से देखना टकटकी लगा कर देखना एक टक आप देख रहे हो ऐसे तो गेजिंग तो जैसे कि she stood gazing at herself इन द मिरर अब वो शीशे में खुद को ही गेज कर रही थी खुद को ही निहार रही थी शी सेट एट द विंडो गेजिंग ड्रीमली इन टू स्पेस आपको अपने विंडो के पास ऐसे बैठ करके और स्पेस में आकाश की तरफ ऐसे करके टकटकी लगाए देख रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है वो गेज कर रहा है वहां पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो गेज यूज करेंगे देख सकते हैं कि अब ड्रीमली भी लिखा हुआ है कि ख्वाबों में है बंदा तो गेज यहां पर अच्छा बैठता है बहुत सारे लोग गेज करते हैं आपको बहुत ही अजीब से एक पेंसिव मूड में दिखाई देंगे किसी सोच में खोया हुआ बंदा निहार कहीं और रहा है तो ही इज गेजिंग अब स्टेयर इससे मिलता जुलता है स्टेयर में क्या होता है कि टू लुक एट समबडी और समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम यहां भी आप लंबे समय तक किसी को देखते हैं बिकॉज यू आर सरप्राइज शॉक्ड हो सकता है कि आप सरप्राइज हो हो सकता है कि आप शॉक्ड हो तब भी आप किसी को ऐसे ध्यान से देखते हैं तो अब इसको सिचुएशन पे ही समझना होगा स्टेयर और ये जो गेज है वो सेम मीनिंग मतलब सेम ऐसा लगता है सिचुएशन सेम है क्योंकि देर तक यहाँ भी देख रहे हैं बट इसके अंदर कई बार आप ख्वाबों में भी चले जाते हो लेकिन स्टेयर वाकई किसी को आप घूरते हो काफी देर तक तो स्टेयर आप कहते हो इफ यू स्टेयर एट और समथिंग यू लुक एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक आप घूरते रहते हो स्टेयर कर डोंट स्टेयर एट मी मुझे घूरो मत स्टेयरिंग एट हर उसको क्यों घूर रहे हो अगला जो वर्ड है इसको बोलते हैं ऑगल ऑगल एक वर्ब है तो ऑगल का मतलब भी किसी को देखना है इसमें आपको ऐट लगाने की जरूरत नहीं है जैसे इफ वन पर्सन इज ऑगलिंग एन ओदर दे आर कंटिन्यूली स्टेयरिंग एट दैटन इन अट इंडिकेट्स इंटरेस्ट अगर आप किसी को ऑगल कर रहे हो मान लो कि बहुत खूबसूरत सी लड़की जा रही या है याडसम सा लड़का जा रहा है और आप उसको देख रहे हो क्या बात है इस तरीके से आप जब उसे घूरते हो लेकिन आपके अंदर वो छिछोरापन चल रहा है घटिया सोच चल रही है उसके बारे में इट मीन्स योर थिंकिंग समिंग सेक्शुअली तो यानी कि आप उसे ऑगल कर रहे हो कैसे बोलते कि गंदी नज़रों से देख रहा है हमको देखो कैसे झांक रहा है ताक रहा है तो गंदी नजरों से अगर आप किसी को देखते हो तो आप ऑगल करते हो तो ऑगल आप कह सकते हो यू नो वेन ही सॉ ब्यूटिफुल गर्ल ही ऑगलिंग हर वो उसको ऑगल करने लगा मतलब उसको उस नीयत से देखने लगा आई सॉ यू ऑगलिंग द वुमेन इन द रेड ड्रेस रेड ड्रेस में जो औरत थी हमको मालूम है तुम उसको ऑगल कर रहे थे ऑगल का मतलब है कि तुम उसको बहुत उस नज़रिए से घूर रहे थे उस उस तरीके से घूर रहे थे ये ऑगल होता है अच्छा वर्ड है

या तो कोई मैच देखने गए हैं आप उसे वॉच करते हैं टीवी पर कुछ देख रहे हैं वॉच करते हैं मूवी देख रहे हैं वॉच करते हैं उसके बाद भी वॉच है कि इफ यू वॉच यूचन यू फॉलो देम सीक्रेटली और स्पाई ऑन देम कई बार आप किसी पर निगरानी रखते वो भी वॉच है ओ यू 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 आर यस आई आई एम एम तो वॉच के इतने सारे मतलब इसीलिए वॉच से बना वॉचमैन जो निगरानी रखे वॉच बहुत ही खतरनाक वर्ड है जैसे यहाँ पर लिखा है कि ही स्टेड अप लेट टू वॉच द फिल्म स्टेप का मतलब होता है देर तक, तक जगह रहना तो जगह रहा काफी देर तक एक फिल्म देखने के लिए यू आर बींग निगरानी रखी जा रही है हम ऐसे वॉच का इस्तेमाल करते हैं गैस। ठीक है अगला आता है सी अब सी का मतलब है कि आपकी आंखें अगर खुली कहने का मतलब है कि ये आपकी आंखें हैं आपकी आंखें खुली हुई है भाई आपकी आंखें कुछ भी देख सकती है जो भी आपकी आंखों के सामने है सब कुछ क्या है भैया सब सी है आंख बंद है जैसे खुला मतलब अगर आप कहते हो आई कैन सी दिस आई कैन सी दैट इट मीनस की ओके आपकी आंखें वो देखने के काबिल है आप देख पा रहे हो यानी कि आंखें खुली है सब कुछ आपकी आंखों के सामने है वो सब सी है सब सी है आपके कान में जो भी जा रहा है सब हियर है सब हियर है लेकिन जब फोकस करते हो तो लिसन हो जाता है ना सुनने में फोकस करते हो तो लुक हो जाता है इस घूरने लगते हो तो अलग अलग वर्ड्स मैंने आपको बताया तो सी का मतलब है कि आपकी आंखें जो जो आंख खुलने पर जो जो नजर आ रहा है सब सी है वेन यू सी समिंग यू नोटिस इट यूजिंग योर आईज आंखों से आप सब कुछ नोटिस कर रहे हो सब सी है यू कान सी कलर एट नाइट ऐसे एग्जाम्पल है कलर नहीं देख सकते आई सो मैन मेकिंग आदमी को देखा मेरी तरफ आ रहा देखा तो देखा मेरी आंखों ने देखा हो गया तो ये तो था ये थे अच्छे अच्छे वर्ड्स अब कुछ ईडियम है वो भी मैं आपको बता दू जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट बैट एंड आई लिट आई लैश या आई कई लोग आई लैश बोलते हैं कई लोग आई लिट बोलते हैं कई लोग आई बोलते, लोग बोलते, लोग बोलते ये एक मुहावरा है मतलब ईडियम है नॉट बैट

यहाँ पर एक लड़की है और ये लड़की आपको कुछ बता ऐसे, ऐसे, ऐसे चेहरे पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जिससे पता चले कि हाँ यार आप कुछ इंटरेस्ट जता रहे हो तो अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं है थोड़ा भी आप सरप्राइज नहीं हो रहे हो थोड़ी सी भी चिंता आपके उस चेहरे पर नहीं दिख रही है इट मीन यू आर

तो अगर आप फ्लैट हो तो बंदा इस एडियम में कह सकता है कि यार आई टोल्ड हिम समबडी मेट एक्सीडेंट बट ही सिर्फ आई भी कह सकते हो बट थोड़ा सा अमेरिकन और यूके में थोड़ा सा फर्क होता है जैसे यहां लिखा हुआ है वेन समथिंग इज सरप्राइजिंग और शॉकिंग जब ब्रिटिश इंग्लिश की बात करोगे डेंट बैट एन आई इन अमेरिकन अमेरिकन में खाली आई भी कह देने भैया थोड़ा भी सरप्राइज नहीं दिखाया तो समझ में आ रहा है ही लिसेंड विदाउट बैटिंग एन आई लैश उसने सब कुछ सुना लेकिन थोड़ा साइज कुछ भी नहीं दिखाया तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज में अगर आप चेहरे पर वो भाव नहीं दिखाते हो जो भाव की जरूरत थी वहां पर इट मीन्स यू आर नॉट बैटिंग योर आई लिड और योर आई लैश और मे बी योर आई ऐसे भी कह सकते अगला है तो आप जानते हैं कीप एन आई ऑन किसी पर नजर रखने को हम कहते हैं कीप एन आई ऑन डेस्ट लाइक एन आई ऑन मी तुमने मुझ पर नजर रखना चालू कर दिया शुरू कर दिया She keeps an eye on me, वो मुझ पर नजर रखती है इफ यू कीप एन आई ऑन समथिंग ऑर यू वॉच दम केयरफुली फॉर एग्जाम्पल टू मेक श्योर दैट दे आर सेटिस्फैक्ट्री और सेफ और नॉट कॉज इन ट्रावल मतलब आप हर एंगल से उस पर नजर रखते हो कि देख देख उस पर नजर रख कहीं वो तुझे हार्म ना करे तब भी ओके आई एम की अगला होता है कीप आई स्पील्ड अगर आप आंखें एकदम खुली रखते हो चौकन्ना रहते हो तो आप बोलोगे कीप आई स्पील इफ यू टेल समू कीप देर आई स्पीड फॉर समथिंग यूर टेलिंग देम टू वॉच वेरी केयरफुली फॉर इट एकदम केयरफुल वॉचफुल रहे

तो कोई चीज़ अगर सुनने में अच्छा लगे सिर्फ लगे कि कह देना कह देने में आसान है करना मुश्किल है तो आप कह सकते हैं कि इट लुक्स गुड ऑन पेपर जैसे कि टू सीम प्लॉजिबल एक्सेप्टेबल और एडिक्वेट इन थ्योरी सब कुछ संभव लग रहा है थ्योरी में बट दो इट मे नॉट प्रूव टू बी सो इन रियालिटी लेकिन रियालिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ठीक है आप जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो इट लुक्स गुड ऑन पेपर बट नॉट इन रियालिटी

तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि दू you आफ्टर know, जैसे यहां पर लिखा है कि सून आफ्टर एन आवर घंटे के तुरंत बाद ही स्टार्टेड वाचिंग द क्लॉक स्टार्टेड वाचिंग द क्लॉक का मतलब है कि वो बोर हो गया और फटाफट काम को छोड़ना चाहता था भागना चाहता था वो उसको एंड करना चाहता था वॉच द क्लॉक का मतलब है कि आप बोर होकर के उसको खत्म करना चाहते हो यूर वॉचिंग द क्लॉक यू कीप लुकिंग टू सी टाइम देखते हो क्यों क्योंकि आप बोर हो गए हो और आप चाहते हो खत्म हो जाए चीज सो आप कह सकते हो यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग द क्लॉक ओके 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 लेट मी रैप इट अप अगला है लुक लाइक समथिंग द कैट ड्रैगडिन बड़ा प्यारा है, है? Look, इसको या याद कर लीजिएगा <clears throat> like पूरा आपको बोलना पड़ेगा मान लीजिए इसका मतलब है कि look exhausted, worn out, untidy dirty. पूरे दिन आपने कहीं पर खेला है क्रिकेट वगैरह खेला है खेलने के बाद जब आप घर आते हो तो आप कैसे दिखते हो थके हुए भी दिखते हो और आप आपका होलिया भी बिगड़ा रहता है आप गंदे से दिखते हो अन दिखते हो

आपका कमरा खराब दिख रहा है आप किसी के कमरे में गए बहुत ही खराब अस्त व्यस्त अजीब सा लग रहा है डर्टी लग रहा है आप कह सकते हो कि इट लुक्स लाइक समथिंग द कैट ड्रैगड इन ऐसे आपको बोलना होगा प्लेइंग आउट इन द बैक यार्ड पीछे में खेल रहा था उस आफ्टरनून के बाद द किड्स केम बैक अच्छा बच्चे खेल रहे थे वापिस आए लुकिंग लाइक समथिंग द कैट ड्रैगड इन ऐसे दिख रहे थे जैसे बड़े गंदे हो हिज हाउस Looks like something that cat dragged in. उसका घर बड़ा ही गंदा दिख रहा है ना प्यारा कैट वाले होते हैं? सुना होगा ना लेट द बैग बड़े, -बड़े भी होते हैं। वैसे है कि लुक लाइक समथिंग द कैट ड्रैगडेन अब कोई भी आपको ऐसा गंदा सा अजीब मिले तो कह सकते हो यू लुक लाइक समथिंग द कैट ड्रैगडेन आई कैंट गो टू दार्टी गो बिकॉज आई लुक लाइक समथिंग द कैट ड्रैग डेन ओके okay? जैसे मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कहता हूँ बच्चों कैमरा ऑन करो वो नहीं करते like so आपकी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए और एंजॉय कीजिए तो देखने से रिलेटेड सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिसिंग एंड फन थैंक यू गाइस